बड़ी अपडेट हम लोग की बात यह आ रही है कि हम लोग के बाद ईरान के कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ईरान में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। हम लोग के बाद ईरान में हड़कंप जैसे हालात है। तो जो इस वक्त ईरान में हालात है उसकी एक एक जानकारी तस्वीरों के माध्यम से और एक एक अपडेट आपको टीवी 9 भारतवर्ष दे रहा है, क्योंकि इस वक्त हालात के बाद लगातार हुए अटैक के बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही क्या इनपुट अब ईरान के पास है कि हमले अभी और ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ईरान की स्थिति लगातार कई महीनों से बिगड़ती जा रही है, उस लिहाज से भी इंटरनेट बंद रखने का फैसला इसलिए क्योंकि इन हमलों के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं देश में खुद लोगों की आ रही है। कई लोग खुश भी हैं, लेकिन इस बीच चर्चा करने से पहले सबसे पहले समझना जरूरी है कि ईरान के शहरों में इंटरनेट शटडाउन की अलग अलग थ्योरीज क्या है। यहां पहली थ्योरी आपके सामने होगी, क्या ईरान अंदर की खबर बाहर नहीं आने देना चाहता। दूसरी बड़ी बात, क्या किसी बड़े सैन्य कार्रवाई की तैयारी में अब ईरान है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तीसरी बड़ी बात, दुश्मनों के संभावित हमलों से बचने की क्या रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया। चौथी बड़ी बात, धमाकों की कोई और वजह है जिसे ईरान अब छुपा रहा है। पांचवी बात, ईरान को पब्लिक में दहशत या विरोध की भी आशंका है। आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से चर्चा अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इंटरनेट अगर शटडाउन किया जा रहा है तो उसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है। पांच थ्योरीज आपके सामने रखी और इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, जहां एयर कॉमोडोर एसपी सिंह एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें कर चुके हैं ज्वाइन, मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नेवी कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना इस वक्त हमारे साथ हैं और जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजनयिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, ईरान के इस वक्त आंतरिक हालात, क्या बहुत जरूरी हो चुका है इंटरनेट सेवाओं को शट डाउन करना? बहुत जरूरी है। देखिए मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये अटैक जो ड्रोन अटैक हुआ है ये इसराइल के द्वारा हुआ है। इसराइल को पता चल गया है कि 18 महीने के अंदर ईरान अपनी जो न्यूक्लियर क्षमता है वो उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगा। तो ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 18 महीने टाइम है, इनफैक्ट 18 महीने भी नहीं 12 महीने टाइम है। 12 महीने में वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ध्वस्त करना चाहता है। वो अपना दुश्मन न्यूक्लियर स्टेट नहीं चाहता है। और आपको याद होगा कि करीब 1.5 साल पहले ईरान के टॉप साइंटिस्ट एक मीटिंग करके निकल रहे थे और चार गाड़ियां निकली बाहर, उसमें एक में वो टॉप साइंटिस्ट थे और इसराइल ने उस साइंटिस्ट को वहीं ख़त्म कर दिया। उसकी पोजीशन देखिए, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए कि चार कार में से उसी कार को टारगेट किया जिसमें वो टॉप साइंटिस्ट था और मार दिया ड्राइवर को, कुछ नहीं। अगर आपकी इस थ्योरी पर भरोसा किया जाए कि इजराइल का इसके पीछे हाथ है, अमेरिका ने साथ दिया होगा क्या? हाँ या ना? जब इजराइल है, देखिए इजराइल एक ऐसा देश है, मैंने बहुत बार देखा है कि वो अमेरिका की चिंता नहीं करता। मैत्री लेवल ठीक है। लेकिन राष्ट्रहित में वो फैसला अपना लेता है। यानी कि इजराइल अपने लेवल पर ही इस स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है, इसकी संभावना भी प्रबल है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।